अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। लास्ट टाइम हम रोटेशन एंड इट्स इफेक्ट्स के बारे में पढ़े थे और मैंने उसका एक आंसर भी आपको दिया है लिखने के लिए। नेक्स्ट अभी हम रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, रेवोल्यूशन और इसके इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। द अर्थ रेवोल्यूशन इज काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन टेक्स 365.5 days टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन। A year has 365 days and the remaining half day has added on the fourth year of the month of February and 29th day. Such a year which February has 29 is called a leap year. अब यहाँ पे देखिए अर्थ क्या है, मूव अराउंड। अर्थ क्या करती है, गोल गोल घूमती ना, सन के पूरा अतराफ उन्हें एक बार घूम गई तो 365 days होते हैं, ठीक है ना। रोटेट होते 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 पूरा उसका पूरा अर्थ सन के पूरा अतराफ से रोटेट होके फिर वही जगह पे आएगी तो 365 डेज कंप्लीट होंगे, ठीक है। रेवोल्यूशन इसमें कितने होते, 365 और हाफ दिन बढ़ा के बोल रहे हैं यहाँ पे 365.5 days। तो वो हाफ डे कहाँ पे, चार साल में एक बार बढ़ता, ठीक है, 29th February, अंडरस्टैंड। तो उस जो 29 February आता चार साल में एक बार, उसको बोलेंगे लीप ईयर। क्या बोलेंगे, लीप ईयर, ओके। अभी हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन। द रेवोल्यूशन द अर्थ ब्रिंग अबाउट द चेंज इन अ सीजन। ये रेवोल्यूशन जो होता है ना, इसमें सीजन भी चेंज होता है। बिकॉज ऑफ द टिल्ट द सन रेज फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एन एंगल द पार्ट ऑफ द अर्थ टिल्ट टूवर्ड्स द सन रिसीव मोर सनलाइट। क्योंकि सन रोटेट, अर्थ रोटेट होते होते कभी कभी सन के बिल्कुल थोड़ा नज़दीक होने से सीजन्स भी चेंज होते हैं। थोड़ा टिल्ट है ना, थोड़ी झुकी हुई है ना, आप देख सकते हैं ग्लोब भी थोड़ा सा झुका हुआ होता है। द पार्ट अवे फ्रॉम द सन रिसीव्स लेस सनलाइट। जो सन के बिल्कुल नज़दीक है वहाँ पे क्या है, बिल्कुल गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। जो सन से बिल्कुल दूर है पीछे वाले हिस्से में, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, ठीक है। द पार्ट रिसीव मोर सनलाइट हैज़ अ लॉन्गर डेज। और जिसके पास ज़्यादा सनलाइट है उसके दिन बहुत लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े दिन होते हैं। एंड एक्सपीरियंस द समर सीज़न, और समर सीज़न बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। द पार्ट दैट रिसीव लेस सनलाइट, जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल कम है वहाँ पे दिन भी छोटे छोटे एक्सपीरियंस किए जाते हैं। और जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर थोड़ा सा टिल्ट होता है सन की तरफ, हेंस हैज़ अ समर, वहाँ पे समर होता है। द साउदर्न हेमिस्फीयर हैज़ विंटर एज इट इज़ अवे फ्रॉम द सन। तो नॉर्थ में जैसा गर्मी होगी तो उसी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा ठंड होगी, क्योंकि वो सन से बहुत दूर है। द अर्थ कंटिन्यू टू रिवॉल्व एंड ग्रेजुअली द साउदर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन। साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होगा, सन की तरफ फेस ज़्यादा करेगा, और द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर। अब यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर क्या करेगा, समर एक्सपीरियंस होगा, वहाँ पे सर्दी होगी। एट द टाइम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विच इज नाउ अवे फ्रॉम द सन हैज़ विंटर। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा, अंडरस्टैंड। तो ये है हमारा रेवोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन, ओके। इसका भी रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स है तो सेंड करूँगी आप लोगों को। हाँ, आंसर नंबर 3 है, इसको राइट द इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन का मैं आपको सेंड करूँगी, ठीक है। लिखिए नीट एंड राइटिंग में। थैंक यू।